Hi, I'm Helen Shastri and you are watching PNTV. I wish you a very happy birthday. Thank you. Yes, हम देख सकते हैं पीछे काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, तो ये सरप्राइज प्लान था सेट पे, किसने किया पहले तो वो बताइए। सो बेसिकली मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं अपने बर्थडे के दिन खाली केक लेकर आऊँगी, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि शूट चालू रहता है एंड ऑल दैट। तो भाई यहाँ पे एक मास्टरमाइंड है जो आपको पता है, जिसके नाम पे ये शो चल रहा है जो अभी आजकल भोला बन के घूम रही है उसका और उसके साथ पता नहीं कोई तो है उसका साथीदार, तो मैं चाहती हूँ कि भोला ही एक बार मतलब आके आपको बताए कि कौन था, किसने ये प्लान किया है। तो आ जाओ भोला, आग का गोला, से हाय। हाय, हाउ आर यू? अकेले तो नहीं किया, मेरे साथ भैरवी दीदी ने प्लान किया। ये कौन है भैरवी दीदी, मिलवाइए उनसे। आ जाओ। तो ये दोनों का, एक छोटा और एक दबंग, दोनों की जोड़ी ने, दिमाग उसका था, मेहनत थोड़ी बहुत मेरी थी, मगर भोला की है। मैं बलून फुका रही थी, इन्हें ये सब दे रही थी। छोटे मियाँ बड़े मियाँ। दिमाग उसका था, मेहनत मेरी थी। दिमाग छोटे का ही होता है ना, बड़ा तो सिर्फ लंबाई की वजह से मेहनत करता है, ऊपर लगाता है, इधर लगाओ उधर लगाओ, इंस्ट्रक्शंस था। अरे कैसे सोचती, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट टाइम सेट पे बर्थडे मनाया है, तो आई वॉज नॉट इवन श्योर कि ऐसा कुछ होगा भी करके, बट इट जस्ट हैपन एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। बिकॉज क्या होता है ना कि छोटी छोटी जो खुशियाँ हम किस में ढूंढते हैं, जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी मेहनत करके आपको वो दिखा है कि नहीं वी लव यू, इवन दो दे डोंट से इन वर्ड्स। तो ये इन दोनों का ही है जो मेरे सेट पे काफ़ी क्लोज भी है, एंड दे ऑलवेज यू नो देयर ऑन सेट एंड वी हैव लॉट ऑफ फन। तुमने मान लिया कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, है ना बोला? हाँ, हालांकि ये बोलती नहीं है, ये कभी किसी को नहीं बोलती है। बोलती है तुम? ऐसे लगता है ना कि किसी को दुख ना लग जाए, है ना। वेल आई वाज आई एम थिंकिंग कि अगर छुट्टी मिल गई ऐसा कुछ हुआ तो फिर मे बी विल गो समवेयर आउट, बट यूजुअली मंदिर जाना सवेरे सवेरे, एंड देन देखो आई डोंट डू मोर ऑफ अ क्लब पार्टीज एंड स्टफ लाइक दैट, मुझे वो सब पसंद नहीं है। तो या तो फिर कहीं जाओ तो भले ही थोड़े ही फ्रेंड्स है बट आराम से शांति से सब लोग बैठ के खाना वाना खाओ ऐसा। तो मेरे एक्चुअली ना दो बर्थडेज आते हैं, जब मैं पैदा हुई थी तब रामनवमी भी थी, तो मैं दो तरह के बर्थडे मनाती हूँ, एक मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो 11th अप्रैल का बर्थडे है वो, और जो रामनवमी है वो मैं बच्चों के साथ जो मतलब तरीके से, तो एक क्वालिटी टाइम हुआ ना, एक अच्छा वक्त निकालना, और वो आप चूज करते हो आप बेसिकली किस मतलब दायरे में कर रहे हो,
तो ये बहुत अच्छी बात है. लोग आजकल सिर्फ डेट्स पे बर्थडे अपना मनाते हैं, मगर ये तिथि के हिसाब से मनाती है और उसको भी सेलिब्रेट करती है. वैसे एक्चुअली हम देखा जाए जो स्पिरिचुअल है तो उनको यही समझ में आएगा कि जो आपकी तिथि है वो ही मेन है, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ, नक्षत्र ग्रह, हिंदू कैलेंडर. तो अगर आप विश्वास करते हो और करते हैं लोग मगर मानेंगे नहीं ना उसको, या फिर ओके ठीक है घर में मम्मी लोग पूजा कर लेंगे, खाना खा लेंगे, दैट्स इट, नहीं होता है. बट उस दिन भी उतना ही इक्वली सेलिब्रेट करना वो बहुत अच्छी बात है. ये मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा था. ओके ये अच्छी चीज़ है. You will not believe. Last year क्या हुआ था कि हमने सात्विक बर्थडे मनाया था. मतलब आप सोचोगे सात्विक बर्थडे क्या होता है. तो रामनवमी के दिन सबको, जो जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको घर पे बुलाया, बोला कि आप लोगों को इंडियन आउटफिट में आना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इसकी कोई बर्थडे केक नहीं होगा बल्कि खीर पूरी, मतलब वो सब प्रॉपर खाना घर पे बना हुआ और एकदम लाइक सात्विक तरीके से बर्थडे मनाया गया था रामनवमी का. दैट इज, आई थिंक वो बहुत अच्छा है जब आप अपना बर्थडे आप उन लोगों के साथ शेयर करो जो मतलब जिनको आप जानते नहीं हो और उनको यू नो दे फीलिंग होती है आपके साथ, वो बहुत दे गिव यू ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर हार्ट आई फील. बाकी सभी शोशा करना इट्स फाइन, मतलब कब तक, इट्स देयर पर्सनल चॉइस. सो या blessed, lucky and grateful. Lastly, I want to say कि आप डोरी देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, ढेर सारे आशीर्वाद भेजिए और ब्लेसिंग्स भेजिए हम सबको, मुझे भी और सारे पूरे डोरी फैमिली को. थैंक यू सो वेरी मच. कीप वॉचिंग डोरी ऑन कलर्स टीवी. थैंक यू.